हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो आपके मोबाइल में सॉल्व नहीं होता है, ये आप देख सकते हो ऐप अपडेट्स आर रेडी करके जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का तरीका। मोबाइल है मेरा ओप्पो का और इस तरह से रियलमी, ओप्पो जो भी फ़ोन है सबका सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार देखते जाइए, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा दूसरे फ़ोन की। दूसरे फ़ोन में आपको जाना है और यहाँ हॉटस्पॉट देख रहे हो, हॉटस्पॉट में एक सेटिंग करना रहेगा आपको। बस उसके हॉटस्पॉट में जाएगा दूसरे फ़ोन के और यहाँ सेटअप में जाएगा एमआई के मोबाइल या नोकिया मोबाइल, किसी भी फ़ोन में आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ देख सकते हो आप कि सेलेक्ट एपी बैंड, जो कि यहाँ 2.4 हर्ट्ज है और आपको सेट कर देना है 5 गीगाहर्ट्ज पर। तो 5 गीगाहर्ट्ज पर मैं सेट कर देता हूँ फिलहाल। ये आपका 5 गीगाहर्ट्ज देख सकते हो आप, 2.4 गीगाहर्ट्ज, अब 5 गीगाहर्ट्ज पर मैंने कर दिया। और ये करने के बाद यहाँ पर बस सेटअप कर देना है मेरा जो हॉटस्पॉट है उसको, और फिर नए जो जिस फ़ोन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस फ़ोन में जाना है जहाँ पे ये चीज़ है वाईफाई। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको अपना डाटा बंद कर देना होगा और वाईफाई में जाना होगा। वाईफाई में जाने के बाद अपने इस वाले फ़ोन को मतलब कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो पोको M2 Pro 5G, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ पर सेट किया था तो 5G आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये अभी भी नहीं हट रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, कनेक्ट टू वाईफाई करने के बाद इस तरह से देख सकते हो आप, ये थोड़ा देर वेट करना होगा, प्रिपेयरिंग फॉर सेटअप कर रहा है। यहाँ धुंधला हो गया था, अभी देखिए स्टार्ट आ गया है। स्टार्ट कीजिएगा आप इस तरह से, स्टार्ट करने के बाद चेकिंग फॉर अपडेट देगा। ये नॉर्मल वाईफाई में नहीं काम होगा दोस्तों, आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ पर इसको सेट करना ही होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि ये डाटा भी पूछ रहा है कि लेना है कि नहीं पिछले वाले फ़ोन में, तो डोंट कॉपी कर दीजिए यहाँ से। थोड़ा सेटअप और कुछ मांगेगा, क्वेश्चन पूछेगा, बाकी सेटअप अपने आप हो जाएगा आपका। अभी ये पूछ रहा गूगल असिस्टेंट चलाना है कि नहीं, टर्न ऑन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट कर देते जाते हैं, जो पूछेगा बस एग्री हो जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब यहाँ पूछ रहा है गूगल का, तो गूगल ओके, गूगल करना है तो ठीक है, वरना बैक हुए। और यहाँ से पूछ रहा है कि ऐड ईमेल डालना है या चेंज वॉलपेपर करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस नोट थैंक्स कर दीजिए। और ये एडिंग द फिनिशेस टच है, तो अब आप ऊपर देखिएगा, ये आप देख सकते हो वो हट गया आपका नोटिफिकेशन। इस तरह से अगर ये सॉल्व हो गया है दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर से मिलते हैं आपको नए वीडियो में।